हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइस, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोकी क्राफ्ट में स्ट्रक्चर्स लाइक पिलेजर आउटपोस्ट, वुडलैंड मेंशन, स्ट्रॉन्गहोल्ड एंड शिपवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स कैसे ढूंढ सकते हो, वो भी किसी भी वर्ल्ड में। तो इसके लिए आपको सिंपली से अपने लोकी क्राफ्ट में वर्ल्ड क्रिएट करते समय एक्टिवेट चीट्स को ऑन कर लेना है। एंड उसके बाद आपको अपना वर्ल्ड क्रिएट कर लेना है। एंड देन उसके बाद आपको आ जाना है अपने चैट वाले ऑप्शन पे। एंड देन आपको यहाँ पर लिखना है स्लैश लोकेट। यहाँ पे पता नहीं ये थोड़ा लैग हो रहा है अभी। स्लैश लोकेट आपको यहाँ पे लिख देना है। एंड उसके बाद आपको जो भी कुछ ढूंढना है उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे शिपरेक ढूंढना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे शिपरेक लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे स्लैश लोकेट शिपरेक लिख दिया है। एंड अभी थोड़ी देर में यहाँ पे शिपरेक के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएंगे। तो हमारे पास शिपरेक के कोऑर्डिनेट्स भी आ चुके हैं, 814 and 232। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्लैश टीपी मतलब टेलीपोर्ट एंड 840 840। एंड उसके बाद यहाँ पे डैश करके यहाँ पे 232 ऐसे ही कुछ था शायद, मेरे को याद नहीं रहा अभी। तो अभी मैंने यहाँ पे टेलीपोर्ट कर दिया है। एंड अभी मैं टेलीपोर्ट होने वाला हूँ शिपरेक के पास। आप इसको अपने सर्वाइवल में भी ट्राई कर सकते हो, बस आपको सर्वाइवल में चीट्स को एक्टिवेट कर देना है। तो अभी मैं टेलीपोर्ट होने वाला हूँ। एंड मैं टेलीपोर्ट हो चुका हूँ शिपरेक के ऊपर। तो गाइस आप देख ही सकते हैं, मैं शिपरेक के यहाँ पे ही टेलीपोर्ट हो चुका हूँ। तो गाइस ये ट्रिक बहुत ही ज्यादा अच्छी। मैं अभी आपको और भी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे एक्सप्लोर करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी लिखता हूँ स्लैश लोकेट स्ट्रॉन्ग होल्ड। मैं यहाँ पे स्लैश लोकेट स्ट्रॉन्ग होल्ड लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे स्लैश लोकेट स्ट्रॉन्ग होल्ड लिख लिया। एंड अभी कुछ देर में हमारे पास आ भी चुके हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड के कोऑर्डिनेट्स -413 and 754। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश टीपी माइनस, अरे मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स भूल चुका हूँ, -430 754। तो यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट्स को डाल दिया। एंड अभी मैं यहाँ पे जैसे ही इस चीट को एक्टिव करूँ, देन मैं यहाँ पे अभी आने वाला हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर। तो अभी मैं यहाँ पे टेलीपोर्ट हो रहा हूँ। पता नहीं मेरा कैरेक्टर दिखाई क्यों नहीं दे रहा, बट अभी ही मैं कुछ ही सेकंड्स में आने वाला हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर। सो गाइस अभी आप देख ही सकते हैं मैं इस जगह पर आ चुका हूँ। एंड मैं इस जगह पर जैसे ही स्ट्रिक डिक डाउन करूंगा, देन मुझको स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाएगी। मैं आपको यहाँ पे प्रूफ भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे कैमरा एंगल चेंज कर लेता हूँ। अभी मैंने अपना कैमरा एंगल चेंज कर दिया। एंड अभी मैं यहाँ पे नीचे स्ट्रिक डिक डाउन करूंगा एंड मुझको स्ट्रॉन्ग होल्ड नीचे मिल जाएगी। सो गाइस फाइनली बहुत देर तक डिक डाउन करने के बाद हम आ चुके हैं एक स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर। एंड मेरे सामने है एक चेस्ट। अगर इस चेस्ट में डायमंड होता है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो मैं इस चेस्ट को ओपन करके यहाँ पे देख लेता हूँ। तो इस चेस्ट के अंदर है एक एंडर पेरल जो कि डायमंड से भी ज़्यादा रेयर होती है। तो अब आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ ही बेल के आइकन को भी दबाना ही पड़ेगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।